प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासहीनों के लिए बनाए गए क्वार्टर मेडिकल कॉलेज को नहीं दिए जाएंगे। ये क्वार्टर्स उन्हीं पात्र लोगों को मिलेंगे जो उसके हकदार होंगे। नगर पालिका ने मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन दिए, क्वार्टर नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कनावटी में बनाए जा रहे क्वार्टर्स मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं दिए जाएंगे। ये क्वार्टर्स उन्हीं आवासहीन परिवारों को मिलेंगे जो इसकी पात्रता श्रेणी में आते हैं। ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के क्वार्टर आवंटित कर दिए जाएंगे, जबकि नगर पालिका सीएमओ का कहना है कि अभी तक नगर पालिका ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। जो क्वार्टर्स नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासहीन लोगों के लिए आवंटित किए गए थे उन्हें ही अलॉट किए जाएंगे। सीटीवी से चर्चा करते हुए सीएमओ सीपी राय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कनावटी में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के क्वार्टर्स बनाए गए हैं, इनका आवंटन नियम अनुसार किया जाएगा। अभी मेडिकल कॉलेज में देने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है। मेडिकल कॉलेज के लिए नगर पालिका द्वारा अलग से जमीन आवंटित कर दी गई है। देखिए, योजना तो शासन के डेस्कोप हो चुकी है। इसके अलावा अगर शासन आप कोई आदेश जारी करता है, नहीं अभी अपन उसका आवंटन क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं अभी आवंटन चूंकि काम चल रहा है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है, तो उन्हीं लोगों को मिल पाएगा कि वो मेडिकल कॉलेज को जाएगी पूरी बिल्डिंग? जो उस लॉटरी में उस गणना में आते हैं उनको मिल जाएगा, जो उस गणना से बाहर हो गए हैं लॉटरी में उनको नहीं मिलेगा। नहीं मेडिकल कॉलेज को तो नहीं देंगे वो बिल्डिंग है? नहीं मेडिकल कॉलेज को बिल्डिंग नहीं देंगे, मेडिकल कॉलेज की जमीन अलग हो गई है। नहीं तो फिर इन लोगों में किस बात का संशय है कि ये लोग कि वो मेडिकल कॉलेज को ही दे रहे हैं पूरी बिल्डिंग है और उस ये लोग आए दिन मीटिंगें कर रहे हैं? मेडिकल कॉलेज को तो भूमि दी जा चुकी है। ये नर्सिंग क्वार्टर बनाने का चल रहा है इनको ऐसा कुछ? नहीं कोई नर्सिंग क्वार्टर नहीं बन रहा है, कहीं कुछ नहीं बन रहा है। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी के क्वार्टर्स बने हैं। तो ये ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी ये जो पात्रता वाले लोग इन्हीं को मिलेंगे ना, मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं जाएंगे? जनता को मिलेंगे, मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं है वो। ऐसा तो इनका आवंटन कब तक शुरू हो जाएगा? आवंटन 26 जनवरी से हमारा लक्ष्य था। लगभग 36 फ्लैट जो है कम्प्लीट है हमारे, कोशिश कर रहे हैं कि 26 जनवरी को करते हैं। अच्छा, एक और सर इसमें ये कि जो लोग पात्रता आपात्र हो गए उनका पैसा नगर पालिका में फंसा हुआ है वो रिटर्न करने की कार्रवाई चल रही है? रिटर्न हो रहे हैं बराबर, इनके आवेदन आ रहे हैं उनको वापस कर रहे हैं। अच्छा, और जो ईएडब्ल्यूएस को ऊपर जो एलआईजी और एमआईजी उसको उसकी क्या स्थिति रहेगी, उसको सेल आउट कैसे करेंगे? एमआईजी ऑफर बुला के किया जाएगा, एलआईजी 10 समय में जो है प्रथम पाव के आधार पर अलॉट हो चुके हैं। अलॉट हो चुके हैं मतलब ये संशय पूरा खत्म है कि मेडिकल कॉलेज के लिए वो बिल्डिंगें नहीं जाएंगी? नहीं जाएंगी। मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन आवंटित होने के बाद से ही कनावटी में प्रधानमंत्री आवास योजना के इन क्वार्टरों को लेकर बवाल मचा हुआ है। करीब 600 से ज्यादा परिवार इन क्वार्टरों के लेने के हकदार हैं, जो नगर पालिका और अन्य जगह चक्कर लगा रहे हैं तथा समय समय पर बैठकें कर रहे हैं। इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त को पत्र लिखा था। अब नगर पालिका सीएमओ के इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि कनावटी में बनाए गए क्वार्टर पात्रता वाले लोगों को ही दिए जाएंगे, मेडिकल कॉलेज को समर्पित नहीं किए जाएंगे।